निगम चुनावों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस बार दिल्ली के नगर निगम चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। आज हम पहुंचे दिल्ली के वार्ड नंबर 11 प्रताप नगर में, जहां से बीजेपी ने सिख वोट को अपने खाते में डालने के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में अमरजीत सिंह को खड़ा किया है। हमारे संवाददाता ने अमरजीत सिंह से सिख और हिंदू समीकरण के मुद्दे पर खास बातचीत की, जिस पर उनका साफ कहना है कि सिख और हिंदू से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में लोग काम से नहीं, मोदी के नाम से ही मुझे वोट डालेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, वो बागी जो उम्मीदवार खड़ा हुआ वही ऐसी बात कर रहा है, फीका परस्ती वाली। यहाँ बिल्कुल हम भाइयों जैसे रहते हैं, हमारे में किसी प्रकार का हिंदू सिख का कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ भाजपा का और मोदी जी के नाम पे यहाँ में वोट मिलना। विपक्ष के आपके प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह सहगल का कहना है कि जातीय समीकरण का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बार फिर बड़ी ही होशियारी से आप प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह ने जनता पर दाव खेलते हुए कहा कि दिल्ली की जनता समझदार है, किसने काम किया है और कौन लायक है जनता सब जानती है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों बार हमारे एमएलए सरदार जगदीप सिंह जीते हैं यहाँ पे, और सरदार जगदीप सिंह खुद सरदार होने के नाते दोनों बार जीते हैं, तो मैं ऐसा नहीं समझूंगा। क्योंकि यहाँ पे 70% कम्युनिटी जो है हिंदुओं की थी, बाकी फतेहनगर आशा वर्ग उषा वर्ग में सिख कम्युनिटी ज़्यादा है, बाकी एरिया में हिंदू कम्युनिटी है। तो यहाँ हिंदू सिख का कोई मुद्दा नहीं है। राजनेता जो भी है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अपना राजनीति वो खेलते हैं, बट जो यहाँ की पब्लिक है, जनता जो है, सब जानती पढ़ी लिखी जनता, समझदार जनता, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। साथ ही हमेशा की तरह अपने अनुभव की गुहार लगाती कांग्रेस इस बार भी अपने विकास के मुद्दे को ही हवा देती हुई नजर आई। एक बात चल रही अंदर खाते कुछ हो सकते हैं, बट आज के समय में वोटर इतना समझदार है कि उसने जिसको वोट डालना चाहे वो हिंदू या सिख हो, उसने उसको वोट डालना है। वो लोग काम देखते हैं, काम का तरीका देखते हैं, और सबसे बड़ी बात है विकास देखते हैं। तो लोग विकास को देखकर वोट देंगे और कम्युनिटी को देखकर मेरे को नहीं लगता लोग वोट देंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे बिना किसी को समर्थन लिए बिना सत्ता में अपनी पकड़ बनाने वाले निर्दलीय दल के उम्मीदवार मनोज चौधरी के पास। मनोज पहले बीजेपी में थे, लेकिन जनता की सेवा के लिए उन्होंने बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार बनना ज्यादा पसंद किया। मनोज चौधरी बेहद शिक्षित प्रत्याशी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया है, साथ ही मनोज ने आईटी और बीएससी की डिग्री भी प्राप्त कर रखी है। इतने शिक्षित होने की वजह से हमारी टीम भी मनोज से सुलझे हुए जवाब की ही आशा कर रही थी, और ऐसा ही हुआ। हमने हमेशा सर्वधर्म समावेश की बात की है और सभी धर्मों का सम्मान किया है। ये जो बात निकल कर आ रही है, ये सिर्फ उन धर्मपंथी लोगों की कट्टरपंथी सोच है जो मात्र सिख वोटर्स को या हिंदू वोटर्स को सिर्फ वोट गिनते हैं। मैं समझता हूँ कि धर्म, पंथ और जात बिरादरी की राजनीति को इस क्षेत्र से हमें दूर करना होगा, और इन धर्म पंथ के नाम पर टिकट मांग कर और खरीद कर लाने वाले लोगों को इस बार सभी समाज मिलकर जवाब देंगे, सभी धर्म मिलकर जवाब देंगे कि ये चुनाव धर्म का नहीं है, ये चुनाव अपने वार्ड में अपने वोटर्स की अस्मिता बचाने का है, उनका अस्तित्व बचाने का है। वोटर गुलाम नहीं है, वोटर बिकाऊ नहीं है। ये मैसेज यहाँ के सभी युवा, बुजुर्ग, माताएँ, महिलाएँ, छोटी बहनें, युवा भाई, सभी लोग मिलकर इस बार जनता आने वाले 23 तारीख के चुनाव में देगी।